हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पोर्टेंट स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान का भंडार, जो कि आपको पूरी तरह से डिटेल में समझाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ देर मत करिएगा, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो शेयर और लाइक भी कीजिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि सामान्य ज्ञान से रिलेटेड किस तरह के टॉपिक हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम में आने की पूरी उम्मीद होती है। तो फ्रेंड्स, देर मत करिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं जीके का प्राचीन भाग 4। फर्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आंसर इज श्री गुप्त। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? आंसर इज गुप्त युग। थर्ड क्वेश्चन, गुप्त वंश की सरकारी भाषा क्या थी? आंसर इज संस्कृत। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? आंसर इज समुंदर गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? आंसर इज राजतंत्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइयान कहाँ का निवासी था? आंसर इज चीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त वंश ने कब से कब तक शासन किया? आंसर इज 319 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? आंसर इज गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिहिर कुल का संबंध किस से था? आंसर इज हुन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवि बाण भट्ट कहाँ का निवासी था? आंसर इज थानेश्वर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागानंद का रचनाकार कौन था? आंसर इज हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेनसांग भारत में कितने वर्ष रहा? आंसर इज 14 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? आंसर इज बाण भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को, ताकि आपको समय पर हमारी वीडियो मिलती रहे। हमारे चैनल पर आपको मैथ और रीजनिंग, करंट अफेयर की भी वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुंभ के मेले की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? हर्षवर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरों ने को किसने पराजित किया था? आंसर इज हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? आंसर इज चंद्र बरदाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत पर पहली बार आक्रमण किसने किया था? आंसर इज ईरानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक कौन थे? आंसर इज धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरी केली नाटक के लेखक कौन थे? आंसर इज विग्रह राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? आंसर इज मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर किस स्थान पर है? आंसर इज उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिपक्षीय संघर्ष किस सदी में हुआ? आंसर इज 8वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? आंसर इज गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन सी थी? आंसर इज मालखंड। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाल वंश की राजधानी कौन सी थी? आंसर इज मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिंग राज मंदिर कहाँ पर है? आंसर इज भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? आंसर इज कुषाण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार की मौत के समय अशोक कहाँ का गवर्नर था? आंसर इज उज्जैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में कितने तीर्थकर हुए? आंसर इज 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? आंसर इज गौतमी प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? आंसर इज 323 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदों की संख्या कितनी है? आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुराणों की संख्या कितनी है? आंसर इज 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है कौन सा था? आंसर इज लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? आंसर इज लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,